होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का यह त्यौहार परंपरागत रूप से दो दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होली जलाई जाती है और दूसरे दिन एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेली जाती है। इसी श्रृंखला में रामटेक में युवा होली खेलते हुए नजर आए। इस दिन सभी लोग अपने पुराने गुस्से को भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। बच्चों और युवाओं में इस दिन को लेकर काफी उत्साह रहता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में यह लोक पर्व फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की अलग अलग व्याख्या है, जैसे होली का दहन या होली, शिमका हुताशानी महोत्सव, डोल यात्रा, काम दहन। इस लोक उत्सव को फाल्गुन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और इसके अगले दिन से वसंत ऋतु के आगमन या वसंत उत्सव की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र में होली के दिन कुछ लकड़ियों को समिधा के रूप में मंत्रोच्चार के साथ जलाया जाता है और लोग जलती हुई होली के चारों ओर बम फोड़ते हुए घूमते हैं। रंगपंचमी होली के 5 दिन बाद मनाई जाती है। होली व्यक्ति के मन में आने वाले बुरे विचारों को होली की तरह आग में जलाने का एक विचार है। आशा है कि हमारा मन पवित्र हो जाएगा। होली के दूसरे दिन से वसंत उत्सव शुरू हो जाता है। होली का उद्देश्य सूखे पत्तों और लकड़ियों को एक साथ जलाना है, लेकिन हाल ही के दिनों में वे लकड़ी जलाकर होली मनाते हैं। दूसरे दिन होली की अग्नि में गेहूं की भूसी भुनने की प्रथा है। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि इन दिनों गेहूं की फसल पैदा होती है। नई फसल को अग्नि देवता को समर्पित करने की भी प्रथा है। होली के दूसरे दिन धूलिवंदन का त्योहार मनाया जाता है, इसे धूलवाड़ भी कहा जाता है। एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हुए और रंग गुलाल उड़ाते हुए सभी एक साथ आते हैं। भाईचारे और एकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने भेदभाव, झगड़े, गरीबी, अमीरी को भूलकर एक साथ आते हैं। होली का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। इस महत्व के मद्देनजर कुछ युवा होली खेलते हुए नजर आए। बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला है हमें, 3-4 साल बाद हम इतना खुशी खुशियों से मना पा रहे हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हमारा यही संदेश है कि आप सभी होली इको फ्रेंडली खेलें, बिना पानी पानी के खेलें। शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।